हेलो फ्रेंड, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत साइबर कैफे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपना भी कोई ऑनलाइन शॉप खोलना चाहते हो या साइबर कैफे की दुकान खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कौन सा कंप्यूटर या लैपटॉप लेना पड़ेगा और कौन सा प्रिंटर लेना पड़ेगा, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले ही मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दिया जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप अपना साइबर कैफे खोलना चाहते हो तो आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो वीडियो को जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये उस वीडियो का ये पार्ट टू है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा लैपटॉप और कौन सा प्रिंटर लेना है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए चार लैपटॉप लेके आया हूँ जो कि आपको मैं सजेस्ट करूँगा, बताऊँगा आप कौन सा ले सकते हैं। वो आप अपनी मर्जी से जितने जो आपको प्राइस अच्छा लगे वो ले सकते हैं। और मैं आपके लिए प्रिंटर भी बताऊँगा, इसमें तीन प्रिंटर आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगा। तो पहला लैपटॉप देखिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये कुछ है एचपी का है जो कि 15.6 इंच की डिस्प्ले है इसकी, और ये थर्ड जनरेशन का i7 प्रोसेसर है इसमें, और 4 GB की इसमें रैम है, 256 GB की हार्ड डिस्क है। तो आप इसको ले सकते हैं, और इसमें विंडो 10 भी मिलेगी इसमें, और MS Office भी डला हुआ मिलेगा 2019 का। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, देखिए अच्छा डिज़ाइन है इसका, बिल्कुल सॉलिड लगता है, तो आप इसे ले सकते हैं, अच्छा है ये लैपटॉप। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार का ऐसा दिखता है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, चार लैपटॉप लेके आया हूँ, इसका प्राइस है आपको देख रही है 30,999 रुपये का पड़ेगा ये आपको। और दूसरा लैपटॉप देखिए हमारा ये आता है, ये भी HP की तरफ से आता है, ये देख लीजिए पहले कुछ इस प्रकार का दिखता है, ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में बता दूँ, ये HP का है ये भी, तो इसमें आपको देखिए प्रोसेसर मिलेगा इंटेल का, और ये 14 इंच की इसकी डिस्प्ले है जो कि, और इसमें 4 GB रैम है और 256 GB की इसमें हार्ड डिस्क है। इसमें विंडो 10 मिलेगी डली हुई, और ये ब्लैक कलर का 143 ग्राम का लैपटॉप है। तो इसे भी आप ले सकते हो अगर आप चाहते हो थोड़ा कम खर्चा करना, तो ये भी आपके काम अच्छे से आ जाएगा, बहुत अच्छे कहाँ से काम करेगा, नॉर्मल वर्किंग के लिए अच्छा लैपटॉप है ये वाला भी। तो और हमारा तीसरा लैपटॉप जो आता है वो है डेल का, तो ये देखिए डेल का लैपटॉप है ये, तो पहले देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है ब्लैक कलर का। तो डेल का इंस्पायर के 3595 का लैपटॉप है, और ये 15.6 इंच की HD लैपटॉप डिस्प्ले है इसमें, और ये 4 GB रैम 1 TB हार्ड डिस्क के साथ आता है, और इसकी इसमें आपको विंडो 10 मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी डला हुआ मिलेगा, ग्राफिक्स भी इसमें, ग्राफिक कार्ड भी मिलेगा। तो इसका प्राइस देख लीजिए 22,999 रुपये, अच्छा है, सस्ता है, और ये आपके नॉर्मल वर्किंग के लिए, साइबर कैफे में काम करने के लिए बहुत ही अच्छा लैपटॉप है डेल कंपनी का। अगर आप चाहते हो तो डेल कंपनी का भी ले सकते हो, देख लीजिए अच्छा लग रहा है, ब्लैक कलर का है। और एक और लेके ले आया हूँ मैं आपके लिए डेल का लैपटॉप, उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये भी डेल का ही है, ये देखिए कुछ इस कलर उसके उसी तरह का है, बिल्कुल ब्लैक कलर का, अच्छा सा है। तो इसके बारे में कुछ इसकी बता देता हूँ, तो इंस्पायर 3584 इसका मॉडल नंबर है, और ये 15.6 इंच की इसकी डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है, जो कि 7th जनरेशन का i3 प्रोसेसर है इसमें, 4 GB रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है, विंडो 10 भी डली हुई मिलेगी, और MS Office भी आपको डला हुआ मिलेगा, और इसमें आपको ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा। तो इसका प्राइस जो देखिए आपको 34,390 रुपये देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी रेंज में आपको अच्छे फीचर्स दे रहा है, अच्छा प्राइस भी है इसका, तो आप इसे भी ले सकते हो। तो मैंने आपको चार लैपटॉप बताए, इनमें से आप कोई सा भी लैपटॉप ले सकते हो, और मैं आपको इनमें चारों में से नहीं लेना है तो मैं आपको बता देता हूँ लैपटॉप में आपको किस चीज़ को देख करके लेना है। तो आपको लैपटॉप में पहले तो आपको देखना है अपने प्राइस के हिसाब से देख लेना है, और उसमें आपको देखना है कि अगर आपको 7th जनरेशन का मिल जाए कम से कम, तो 7th जनरेशन का लेना, i3 प्रोसेसर होना चाहिए कम से कम, और 4 GB की रैम होनी चाहिए, और कम से कम और हार्ड डिस्क आपको ज़्यादा 250 GB या 500 GB 1 TB तक चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तो आप उसको ले सकते हो, वो आपको साइबर कैफे के काम करने में बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकोगे, बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो इन चारों में से ले सकते हो, अगर आप इन चारों में नहीं पसंद है और आप और को और भी सस्ता चाहिए तो आप और सर्च कर सकते हो। जो चलिए तो मैं हो गई लैपटॉप की बात, मैं आगे आपको बताता हूँ प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर आपको देखिए कौन सा लेना है, मैंने आपके लिए तीन प्रिंटर बताए, देखिए पहला तो आता है एप्सॉन की तरफ से, जो कि प्रिंटर
एप्सॉन और एचपी दो ही के होते हैं, दो होते हैं जो कि अच्छे से काम करते हैं, एचपी और एप्सॉन, ये दोनों अच्छी कंपनी है। तो इसमें मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ, एप्सॉन इको टैंक L3150। ये एक वाईफाई कनेक्टेड पेन, इससे वाईफाई के जरिए भी आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। ऑल इन वन प्रिंटर है, ये इंकजेट प्रिंटर है, बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसमें सब चीज़ आपको मिलती है, स्कैनर, फोटो कॉपी सारी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मिलती है इसमें। ऑल इन वन प्रिंटर है, इसका प्राइस आपको देखने को मिला 12,699 रुपये इसका प्राइस है, और अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। इस प्रिंटर को मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा प्राइस प्रिंटर है ये वाला। तो और आगे मैं आपको देखो एक और प्रिंटर बताता हूँ, आप इसे भी ले सकते हो, वैसे तो अच्छा है। देखिए ये इसको सेम ही है, इसका ही वही है, बस इसमें यह है कि वाईफाई नहीं है, वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं इसमें, और उससे थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा स्लो है, नहीं तो अच्छा है। और इसका प्राइस उसमें 2,000 रुपये के आसपास आप फर्क देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा कम खर्चा करना चाहते हो तो इसको भी ले सकते हो, ये भी एक अच्छा प्रिंटर है। तो चलिए एक और प्रिंटर के बारे में दिखाता हूँ जो कि एचपी का है। तो देखिए ये एचपी का प्रिंटर है, देखिए देख लीजिए, आपको देखिए कैसा लग रहा है, छोटा सा है, उससे अच्छा है, दिखने में भी थोड़ा सही सा लग रहा है। तो देखिए एचपी का प्रिंटर है, इसमें L391 ऑल इन वन प्रिंटर है, ये इको टैंक कलर प्रिंटर। तो इसमें भी आपको देखिए सारी सर्विस देखने को मिलती है, प्रिंटर, फोटो कॉपी, कलर फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट जो भी है, स्कैनिंग सब चीज़ होगी। और ये इंकजेट प्रिंटर है, और ये लगभग सभी प्रिंटर जो मैंने अब तक दिखाए हैं, ये कम से कम 4,000 प्रिंट ब्लैक कॉपी और 3,500 कलर फोटो कॉपी करके आपको दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रिंटर है ये, तो अगर आप चाहते हो तो इन तीनों में से कोई सा भी ले सकते हो, आप अपनी बजट के हिसाब से। तो उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मैंने आपको बताया लैपटॉप और प्रिंटर कौन कौन सा लेना है, तो आप इनसे मिलता जुलता या इन्हीं को, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करके ले सकते हो। तो उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर जानकारी अच्छे से समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हम आपके लिए इसका वीडियो में पार्ट 3 भी लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लेमिनेशन मशीन के बारे में और बायोमेट्रिक मशीन के बारे में। तो और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। तो चलिए हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।